Hi, I am Khushbu and welcome to Khushbu's Healthy Life. This is the third part of the awareness about the breast cancer and the thyroid cancer. Last video मैंने आपको ये बोला था कि I am going to tell you about the EndoPredict test. तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि what is EndoPredict test. EndoPredict test ये बताता है कि कितना कैंसर जो है वो रिस्क है 10 साल के बाद भी आपको दोबारा हो सकता है या नहीं. आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो किसी और बॉडी पार्ट में 10 साल के बाद भी हो सकता है या नहीं, या 5 साल के बाद भी हो सकता है या नहीं. ये टेस्ट आपको यही बताता है. और ये टेस्ट आपको ये भी बताता है कि आपके बॉडी में अनदर दूसरे बॉडी पार्ट में आपको कितना चांसेस है होने का, कितना लो रिस्क है या हाई रिस्क है, किसी और बॉडी पार्ट में होगा कि नहीं होगा 5 साल, 6 साल या 10 साल के बाद. आपको ये टेस्ट यही बताता है, यही जानकारी देता है. और ये टेस्ट डॉक्टर और जो पेशेंट हैं उनको ये हेल्प करता है कि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं, रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं. इस टेस्ट में आपको ये भी पता चलता है. EndoPredict test ऑफर किया गया था मायरिड जेनेटिक के जरिए, और इसमें जीनोमिक टेस्ट के बारे में बताया गया था. और जो अभी जिनको डायग्नोस किया गया है कि लाइक उनका जो डायग्नोसिस है वो अर्ली स्टेज है या सेकेंड स्टेज है. अब ये समझते हैं कि जीनोमिक टेस्ट क्या होता है. जीनोमिक टेस्ट और EndoPredict टेस्ट को मैं हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज ये टर्म्स है साइंस का, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है बोलना कि जीनोमिक टेस्ट का हिंदी वर्जन क्या होता है. सो जीनोमिक टेस्ट में ये डॉक्टर्स ये पता लगाते हैं या ये समझते हैं कि जो कैंसर का सेल्स है वो कितना एक्टिव है, किस तरीके से बढ़ सकता है या नहीं, मतलब आने वाले समय में 5 साल में 3 साल में किस तरीके का सेल्स कितना स्प्रेड, कितना फैल सकता है आपके बॉडी में. अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो दूसरे बॉडी पार्ट में होने का कितना चांसेस है वो जीनोमिक टेस्ट भी पता करता है. और कौन कौन से पेशेंट EndoPredict टेस्ट के लिए एलिजिबल है. अगर किसी पेशेंट को एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव आया है, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट उनको हर्स रिसेप्टर पॉजिटिव आया है, वही पेशेंट EndoPredict टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं. सो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर उनका स्टेज 1 स्टेज 2 रिसेप्टर पॉजिटिव आया है तभी वो एलिजिबल है. इसका मतलब ये होता है कि जो लिम्फ नोड में कैंसर है या नहीं है, या तो कैंसर लिम्फ नोड के मतलब 1 से 2 या 3 लिम्फ नोड में फैल चुका है, सो वही पेशेंट एलिजिबल हैं आपको EndoPredict टेस्ट के लिए. एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव का मतलब यह होता है कि डॉक्टर ये पता करते हैं कि कैंसर जो है या ब्रेस्ट कैंसर जो है वो किस स्टेज में है, किस ग्रेड में है, मतलब कितना फैल चुका है और क्या उसकी स्टेज है और जो उसका जो टाइप है वो क्या है. और एस्ट्रोजन रिसेप्टर हमेशा एक ऑन एंड ऑफ पोजीशन में रहता है. वो मतलब जो उसका कैंसर सेल्स जो है वो ग्रो भी करता है फिर रुकता भी है, ग्रो भी करता है और फिर रुकता भी है. इसका मतलब ये है कि वो बढ़ता है, ग्रो करता है, लेकिन बहुत स्लो, बहुत धीमा ग्रो करता है. और जो हर्स रिसेप्टर है, हर्स रिसेप्टर अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा ऑन पोजीशन में रहता है, हमेशा ग्रोइंग पोजीशन में रहता है. इसको हम बहुत फास्ट ग्रो कैंसर सेल्स भी कह सकते हैं. तो जितने भी केसेस होते हैं उसमें 80% जो कैंसर होता है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, और 20% जो होता है, वो हर्स पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो कुछ ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन पॉजिटिव होते हैं और कुछ हर्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ कैंसर्स जो होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं, वो दोनों ही नेगेटिव होते हैं.
अब इंडो प्रेडिक्ट टेस्ट काम कैसे करता है? इंडो प्रेडिक्ट टेस्ट ये पता लगाता है कि जो 12 जीन्स, जो ब्रेस्ट कैंसर में जो 12 जीन्स हैं, वो कितना मतलब एक्टिव हैं, किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं, तो इंडो प्रेडिक्ट टेस्ट यही पता लगाता है। और फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडो प्रेडिक्ट आपको रिस्क स्कोर भी बताता है कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या 3 साल के बाद होने का चांसेस है या नहीं है किसी ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी और बॉडी पार्ट में, और आपको यही एनालाइज करता है इंडो प्रेडिक्ट टेस्ट। अब इंडो प्रेडिक्ट टेस्ट के इंश्योरेंस कवरेज की बात करते हैं। इंडो प्रेडिक्ट टेस्ट थोड़ा सा महंगा है। लाइक 2018 में मेरी मदर का इंडो प्रेडिक्ट टेस्ट हुआ था और हमें 1,30,000 खर्च आया था, और मेरी मदर का एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव आया था। तो उसमें डॉक्टर्स ने ये पता किया था कि कितना कीमो लगना है, कीमोथेरेपी जो है वो कितना लगेगा, किस तरीके से डोजेस होगा, किस तरीके से डोजेस को ब्रेक किया जाएगा, एक डोज को मतलब 3 डोजेस में ब्रेक करेंगे या 4 डोजेस में ब्रेक करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आ गया था। तो क्योंकि मेरी मदर मतलब 60 अबव थी, तो हम लोगों ने ये टेस्ट करवाया था। और अच्छा मतलब ये अच्छा आजकल का मतलब नया एक तरीका आया है कि आपको ये पता कर देता है कि आगे कितना रिस्क फैक्टर है आपके बॉडी में। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और अगर आपकी जो ऑफिस है या जो कंपनी है, अगर आपको कवरेज देती है रिस्क मतलब लाइक इंश्योरेंस कवरेज देती है, तो आपको जरूर कराना चाहिए। सो बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खुशबूज हेल्दी लाइफ। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप हेल्दी। थैंक यू सो मच।